दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर आए दिल को भूले रास्ते बात यह है कि लोगों ने अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हें भी पसंद कर लिया, बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। बस अब उसको एक बार रुखसत करके ले आइए, उसके बाद शायद मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। मुझसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा उसके बाद। नहीं, और जो काम नहीं हो सकता उसके लिए मुझसे बहस मत कर, मैं वैसे भी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ काम की वजह से। आप लोग चाय लेना? चाय भी ले लेंगे बहन, पी रहे हैं। आप पहले हमारी बेटी को बुलाइए। यकीन मानिए आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। हमारे अरसलान को तो बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आता है। हम बड़े परेशान थे कि पता नहीं इसका किस जगह रिश्ता होगा, कहाँ इसकी शादी होगी। तनवीर लाओ ना। जी मैं बुला कर लाती। मैंने ये इनके अब्बा नहीं आए, खास मसरूफियत थी उनकी। वो भाई साहब बहुत जरूरी काम था उन्हें पिंडी, वहां गए हैं, इंशाल्लाह कल आ जाएंगे वो। तैयार हो गई नूर? तैयार क्यों नहीं हुई, उनके सामने ऐसे ही जाओगी? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है। चलो भाई जल्दी करो, कब से इंतजार कर रहे हैं वो लोग। सोफी जाओ चाची को देखो, आई क्यों नहीं अभी तक, बुलाओ उसे। अच्छा। चले बेटा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से जानती हो ना उनको। चलो आओ शाबाश। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो हमारे पास। लेकिन एक पिक्चर प्लीज। एक सेकंड। या स्माइल, कंफ्यूज क्यों लग रहे हो आप? अरे बैठो मेरे हमारे पास, आओ बेटा इधर आओ बैठो। वो सोफिया गजाला किधर है, उनको भी तो बुलाए ना। मेरा ख्याल है मेहंदी अब दोनों साइड से पसंदीदगी तो रिश्ते की हो चुकी है। आज मैं अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहना के ही जाऊंगी। क्यों भाई साहब, क्या ख्याल है आपका? बहन हमें क्या इतराज हो सकता है, जैसे आप चाहें, जो आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोफिया आ गई। हाँ जी आपकी बहू आ गई। तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। आगे अब मैं अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहनाने लगी। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए बहन। बिस्मिल्लाह। बेटा नूर क्या हुआ? बैठो। तनवीर जी
मैं देखती हूँ। शर्मा गई होगी ना। आप लोग प्लेटे का है बेटा, इनको कुछ दो तो सही। रोजाला जी भाई साहब। अच्छा मैं देख के। कि क्या बदतमीजी है, ऐसे उठकर क्यों चली आई तुम? मुझे माफ कर दे, मैं शादी नहीं कर सकती। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे वो लोग। और तुम्हें अब याद आया जब वो लोग रसम करने आ गए? और क्यों नहीं करनी तूने वहां शादी? चचिया, आपको तो सब पता है, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मम्मी को बताएं। क्या पता है बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा, बाबा मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप उन लोगों को मना कर दें। माफ कर दे। मैंने खिजर से निकाह कर लिया। क्या किया तुमने नूर? हम भाई साहब, भाई पानीला भाई साहब, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो नूर? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बाबा पानी पानी भी। भाई साहब हौसला करे ना। भाई साहब हौसला। चची चची लगाया हुआ, क्या करूं मैं? चची आप सबको बताएं ना, आप भी तो गई थी इस्लामाबाद मेरे साथ मेरा निकाह करवाने के लिए। चची आप झूठ क्यों बोल रही हैं? बस कर दे नूर, बस कर दे। खुद तो करतूत करके आ गई है, मेरा नाम लगा रही है। पता है ना कि माँ बाप पसंद नहीं करते तो सारा नाम चची पे आ जाएगा। शर्म कर, कुछ शर्म कर। चची झूठ बोल रही है।
नूर बस। चाची झूठ बोल रही हैं बाबा। तनवीर, उन लोगों से कहो वो चले जाए। हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते। प्लीज चल, किसी को कुछ पता ना चल। सोफी के ससुराल का मामला भी है। चल बेटा, तुम भी चल। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। माफ कीजिएगा, इनके अब्बा की तबीयत जरा खराब हो गई है। तो डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं आंटी, मैं ले चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, नूरुलैंड के पीछे ही गए। सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं, उनका बीपी हाई हो गया, होता रहता है, आज पहली बार तो नहीं हुआ। चले छोड़े अम्मा, अगर वो नहीं बताना चाह रही तो आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? आंटी आप अपने घर के मसले सॉल्व करें, हम फिर कभी आ जाएंगे। हाँ मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं। चलो उठो, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। नहीं अंकल की तबीयत खराब है। मैंने कहा ना, चलो उठो। अल्लाह हाफिज़। क्यों किया आपने सब कुछ? किस बात का बदला लिया है आपने? बिगाड़ा था आपका वही जो शुमाइला ने तेरे माँ बाप का बिगाड़ा था। घर से भाग के शादी करने वाली बच्चियों के साथ यही होता। नहीं माफ किया था ना तेरे बाप ने और तेरे चाचे ने मेरी शुमाइला को। अब मैंने ये देखना है तुझे माफी कैसे मिलती है। मैंने अगर कहा तो तूने भी तो कर लिया, तब नहीं ख्याल आया था अपने बूढ़े बाप की इज्जत का। चाची तेरे बाप को कुछ होगा तो तेरी वजह से होगा, मुझे ना बीच में ला। निकाह किया ना तो सामना भी कर। मुंह तो अब सिर्फ तेरा बाप और तेरी माँ छुपाएंगे, और वो भी सारी जिंदगी मेरी तरफ। Thank you.
चली जाओ यहां से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। किसी से बात नहीं करनी मुझे। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं किसी की भी। सुना नहीं है। कल अपनी मां को लेकर हम शादी के लिए तैयार हैं। कल तक? हाँ, मां को ले आओ या नूरुलैन को तलाक भेज दो। तुमने क्या किया नूर? चाची ने कहा था वो सब संभाल लेंगी। उन्होंने निकाह करवाया, उन्होंने मुझे फोर्स किया था। उन्होंने कहा तुमने मान लिया नूर? बच्ची हो क्या? तुम्हें नहीं पता वो कभी हमारा अच्छा नहीं चाहेंगी। एक बार भी बाबा का नहीं सोचा, अम्मी का नहीं सोचा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती से निकाह नहीं होता नूर। हम लोगों को क्या कहेंगे? हमारी बहन ने गलती से निकाह कर लिया। तुमने तो मेरे ससुराल वालों के सामने भी मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। चची, चची का नाम मत लो, कुछ नहीं लगती वो हमारी। बाबा कहाँ है? किसी से नहीं मिलना चाहते वो, उनके पास मत जाना। मुझे नूरुलैन पर लोग तो अपने बेटों पर फख्र करते हैं, मैं बदनसीब आज तक अपनी बेटियों पर फख्र करता रहा। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। बस कर दे कासिम साहब, संभाले खुद को, बात करते हैं उससे। नहीं,
नहीं करना चाहता मैं बात उससे। तुम भी उसे कह दो मुझे शक्ल भी ना दिखाए। जाए, चली जाए यहां से। ये अब कैसी बातें कर रहे हैं कासिम साहब, कहां जाएगी वो? वो चली ही तो गई है, वो अब कब हमारी रही है? जाए जाए अपने शौहर के पास जिसके लिए उसने हमें धोखा दिया है। ये कहती थी ना गजाला मुझसे बदला लेगी, वही क्या उसने? मैं किसी की बात नहीं करता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मेरे खून ने धोखा दिया है। नूर को मेरी कोई बात कोई नसीहत याद नहीं रही, वो भूल गई कि मैं तो उसे देख देख कर जीता हूं। अगर नहीं, इसमें गलती मेरी अपनी है। मैंने अपनी बेटी को वो एतमाद दे दिया जिसकी वो लायक नहीं थी। बाबा अभी चली जाओ यहां से। नहीं बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफी चाहिए। आज किस बात का शोक मना रहे हो? अब तो खुश हो जाओ, हमारी बेटी को इंसाफ मिला है। हाय, सजाद अली, बड़ा इंतजार किया मैंने इस बात का, मिल ही गया ना आखिर मुझे इंसाफ। कर ली तुम्हारी भतीजी ने उस अमीरजादे से शादी, और वो भी भाग के यार हैं? हाय हाय, दो कौड़ी की इज्जत कर दी भाई भाभी की, किस तरह दुनिया को मुंह दिखाएंगे? हाय, क्या मान था माँ को अपनी बेटी से, और बेटी भी वो वाली जिसपे सबसे ज्यादा नाज था, वो ही मुंह पे काले कोप कर चली गई। ये क्या शोर कर रहे हो? अब तो तिबल बचेंगे। याद आया तुम्हें, इसी जगह पे मुझे उस दिन तुमने चपेड़ मारी थी ना, जिस दिन हमारी शुमाइला घर से भागी थी। तुम्हारी भाभी ने उसे भगाया और तुम सब ने मिलकर मुझ पे इल्जाम लगा दिया। सजाद अली, मैं उसकी माँ होकर खुद इसे घर से भगाऊंगी? हाँ, उस दिन मेरा साथ देने के बजाय तुमने सारी दुनिया में मुझे जलील किया, मुझ पे हाथ उठाया, चपेड़ मारी मुझे। चपेड़ तो आज बनती है, भगाया तो मैंने आज इस घर की बच्ची को, उस दिन तो कुछ भी नहीं किया था। अब कर लो जो करना है। क्या? अब तो तुम उठ के मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, चपेड़ क्या मारोगे?
समीर इस गांव चली जाए। आवाज नहीं आ रही, इससे कहो ये यहां से चली जाए। पापा मुझे माफ कर दें। तुम यहां से चली जाओ नूर, तुम्हारे पापा तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं बाबा से बात करना चाहती हूँ। बाबा आप मुझे डांटें, मुझे मारें, जो करना है करें, लेकिन से बात तो करें। आप इस तरह खामोश तो नहीं रह सकते। बाबा मैं मान रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप मुझे सजा देना चाहते हैं, दे दें। मुझे आपकी हर सजा कबूल है, लेकिन आपको मुझसे बात तो करनी होगी। बाबा बात करनी पड़ेगी। करने की बात उस लड़के से कहो मुझे मिले। मुझे शक्ल भी ना दिखाओ, चली जाए यहां से, जाए अपने शौहर के पास। मैं बदनसीब आज तक अपनी बेटियों पर फख्र करता रहा, क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? तुमने बात की अपनी अम्मी से? हाँ हाँ बता दिया मैंने। खैरियत है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम आ जाओ। मैं बस अभी आ जाता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ तुमने मेरे बारे में बात तो की है ना उनसे? मेरा मतलब है चची ने सब कुछ बता दिया ना? हाँ सबको सब कुछ पता चल गया है। तुम बस आ जाओ। बस ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे को। चची ने अच्छा नहीं किया। क्या किया उन्होंने? वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि स्नेहा में हमारे साथ शामिल थी वो। कैसे हो सकता है, वो सब कुछ कैसे कर सकती है? पता नहीं। तुम आ जाओ बस, बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे, तुमसे बात करना चाहते हैं। आ रहे हो? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ अभी आता हूँ, फौरन आ रहा हूँ। ओके थोड़ा सा खाना खा लीजिए।
इस तरह करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज थोड़ा सा खाना खा ले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी नहीं जा रहा मेरा। हमारे बस में कुछ नहीं है कासिम साहब, हम तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, ना गजाला से ना नूरुलैन से। मुझे अंदाजा है, अब क्या और बताना चाहती हूँ। काना ले जाओ, मुझे उठा लो इसे यहां से। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो ये भी मत कीजिए, इस तरह खाना पीना छोड़ देने से, खुद को कमरे में बंद कर लेने से मसला हल नहीं होगा। हमें अपनी खोई हुई इज्जत खुद वापस लेना होगी। खिजर आ रहा है, हमारे पास इस शादी को कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कल अपनी मां को लेकर आओ, हम शादी के लिए तैयार हैं। कल तक? हाँ, मां को ले आओ या नूरुलैन को तलाक भेज दो। लेकिन अंकल, जाओ। ये क्या बात हुई? कोई और मसला भी तो हो सकता है। तुम्हारी बहन ने खुद जाकर सुना है। अब आंखों देखी मक्खी निकलना कहाँ की अकलमंदी है, बात को समझने की कोशिश करो बेटा। सोफी की बहन ने अगर कुछ गलत किया भी है तो इसमें सोफी का क्या कसूर है? मैं आप उसके साथ बुरा क्यों करेंगे? मैं किसी के लिए बुरा नहीं कर रही, बल्कि अपने लिए अच्छा कर रही हूँ। छोटी बहन के ये हाल है तो बड़ी का क्या होगा, लेकिन अगर बड़ी ऐसी नहीं भी है ना तो भी मुझे वहां रिश्ता नहीं करना। किसी एक ही गलती का सजा बाकी सबको नहीं दे सकती हूँ। तुम इन बारीकियों को नहीं समझ सकते, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो। लेकिन आप जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही, मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा।
अच्छा चलो चुप हो जाओ, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे कुछ सोचने दो। कुछ भी बुरा सोचने या समझने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा अम्मी कि मैं अगर शादी करूंगा अम्मी तो सिर्फ सोफी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वालेकुम सलाम। बात तो सुन, मुझे ये बता ताई अम्मी से मिलके आए? नहीं तो क्यों? अम्मी जब उनसे मिलता हूँ तभी आपको बुरा लगता है, अब नहीं मिल रहा तभी बुरा लग रहा है आपको। अरे ऐसा मैंने कब कहा, उस दिन तो वैसे ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। जा देख क्या क्या कर रही। अम्मी मैं आपका जासूस नहीं बन रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। गजब खुदा का अजीब औलाद है, हर बात ही माँ की उल्टी लेते हो। जो दफा मैं खुद देख लूंगी। जी खुद ही देख लिया करें। चली जाया करे, काशी में से बड़ी जरूरत हो गई है तेरी। दी देखाया करे। आपने ठीक नहीं किया कासिम साहब, एक ही दिन में वो अपने माँ बाप को नहीं मना सकेगा। एक दिन में क्या नहीं हो सकता? हमारी बेटी ने एक दिन में हमें बेइज्जत कर दिया। बल्कि उसने तो एक लम्हा लगाया, तो फिर ये अपने माँ बाप को एक दिन में राजी क्यों नहीं कर सकता? बेइज्जती तो दोनों सूरतों में हमारी। आपने तो बोल दिया, लेकिन अगर उसके घर वाले नहीं मानते तो क्या नूरुलैन इस रिश्ते को खत्म करने के लिए राजी हो जाएगी? नहीं, वो नहीं मानेगी कासिम साहब। फिर नूरुलैन को एक फैसला करना पड़ेगा। हमारा साथ देती है या उसका? मैं जानता हूं तन्वी फातिमा, अगर ये एक दिन में नहीं मना सकता कभी नहीं बना सकेगा। और मैं दोनों सूरतों के लिए तैयार हूं।